इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। करीब 42,000 करोड़ रुपए के बाइक बोर्ड घोटाले में ईएडब्ल्यू ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत में ताबड़तोड़ छापे मारते हुए उन 178 बाइक को बरामद कर लिया जो निवेशकों को झांसा देकर एक मायाजाल संजय भाटी व उसके गुर्गों ने बुना था। बता दें कि बाइक बोर्ड से जुड़े मामले को फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने बहुत ही शिद्दत के साथ उठाया था। नवनियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्बरवाल के निर्देशन में ईओडब्ल्यू द्वारा की गई इस छापेमारी में उन लोगों में आस जाग गई है जो संजय भाटी व उनके गुर्गों के मायाजाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। वहीं सफेदपोश बनकर बैठे उन घोटालेबाजों में भी बेचैनी फैल गई है जिन्होंने मोटा माल संजय भाटी से कमाया है। संजय फिलहाल जेल में है। दरअसल गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय भाटी ने बाइक बोर्ड के नाम पर ऐसा जाल बुना था कि उसमें हर कोई फंसता चला गया। इसमें फंसने वालों में फौजियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिन लोगों ने अपने फौजियों को साथियों का पैसा बाइक बोट में लगवाया उन्हें उपहार स्वरूप लग्जरी कारें भी दी गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से 5 लाख से अधिक निवेशकों ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे। इस मामले में नोएडा में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं जबकि देश के विभिन्न जगहों पर 500 मामले दर्ज हो चुके हैं। आज ईओडब्ल्यू के अपर पुलिस अधीक्षक राम सुरेश यादव के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने एक साथ इन 5 जिलों में छापे मारे। मुजफ्फरनगर में शिल्पी राज की निशानदेही पर आदर्श लिंक रोड स्थित गोदाम से 50 बाइक बरामद की गई। इरफान की निशानदेही पर मुरादनगर के ईदगाह के पास इंटर कॉलेज से 25, कुलदीप त्यागी निवासी ग्राम सिहानी गाजियाबाद की निशानदेही पर 47, राजेश रानी निवासी अशोकनगर हापुड़ की निशानदेही पर पड़ोस में किराए पर लिए गए गोदाम से 22 बाइक, विकास लांबा GP 31 गंगानगर मेरठ की निशानदेही पर 21 बाइक बरामद की गई। इसके अलावा कपिल कुमार निवासी ग्राम लुहारी बड़ौत ने 13 बाइक बरामद कराई है। इनमें से अधिकांश बाइक नई हैं और इस आशंका से कि कहीं लोग उन्हें पकड़कर कोई आपराधिक वारदात न कर दें चलाई नहीं गई थी। इस तरह आज कुल 178 बाइक बरामद ईओडब्ल्यू ने की है। बता दें कि थाना दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर समेत पंजीकृत 56 मुकदमों की प्रारंभिक जांच के बाद शासन ने आर्थिक अपराध शाखा को यह जांच सौंप दी थी। जांच में पाया गया कि संजय भाटी आदि 19 लोगों ने यह मायाजाल बुना था और भोले भाले लोगों को फंसाकर उनकी जमा पूंजी लूट ली थी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।